नागपुर के मोमिनपुरा में हम लेकर आए आपके लिए एक यूनिक डिश, दूध डब्बा। जितनी यूनिक ये डिश है उतनी ही यूनिक इस शॉप की टाइमिंग है। तो आइए देखते हैं इस डिश की मेकिंग। क्या क्या आता है इसमें? दूध डब्बे में बिस्किट, नमकीन रहती है। मेरा नाम दानिश। और ये अशफाक, अशफाक भाई कौन है फिर? अशफाक भाई भाई है ना। अच्छा, आपके बड़े भाई है? हाँ, बड़े भाई। अभी आएंगे वो भी। उनका टाइमिंग रात में रहते ना। अच्छा अच्छा, कितनी पुरानी शॉप है अपनी? उसको हो गया 20-25 साल। आप तो पहले से आप लोग ही चला रहे कि आपके पापा वगैरह थे पहले? नहीं, पहले पापा वगैरह चलाते थे। अच्छा अच्छा, इनमें पार्सल वगैरह भी रहते हैं ना? इसमें पार्सल भी देते? इसमें नहीं रहते, इसमें रहते डिस्पोजर में। पूरे नागपुर में नहीं है तो? नागपुर कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं देखा मैंने तो आज तक। नहीं, कहीं पर भी नहीं, नहीं। फिर भी अपने पास है। ये खा रही है? तो ये आप ये होममेड प्रिपेयर करते हो या परचेस करते हो? नहीं, लेके आते हैं। अच्छा, कितने बजे का टाइमिंग है अपना शॉप ओपन होने का? शाम में 5 से सुबह 12 बजे तक। सुबह 12 बजे तक? हाँ। मैंने पूरा रात भर चलता है? हाँ, रात मेन में, मतलब रात का ये नाइट आउट मार रहे हैं लोग के लिए तो जरूरत है। आपका लोकेशन क्या है भैया दुकान का? दुकान का मोमिनपुरा बकरा मंडी। मोमिनपुरा? मोमिनपुरा बब्बू होटल के सामने। दूध वाला रहता है 25 रुपए का, चाय वाला 30 रुपए का रहता है। अच्छा, ये क्या है, नान कटाई है कि बिस्किट है? वही नान कटाई बिस्किट, बोलो एक ही बात है। अच्छा अच्छा, चाय वाला? अच्छा, सिर्फ नमकीन वाला भी ले सकते हैं? दूध वाला गर्मा गर्म दूध, ये दूध रिफिल होता है फिर अगर लगता है तो? हाँ, होता है अगर एक्स्ट्रा लगा तो दूध रिफिल आएगा। ये लग गया हमारा दूध वाला डब्बा। कैसा है? मस्त है, गरम गरम। बचपन की यादें ताजा होगी। हाँ, अच्छा है ना? मजा आया ना? बस खा, अपन इसका देख, कैमरा में तो कैमरा पकड़ के रखा।